तो सांग मैंने नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। सांग मैंने आज काली मु ब्लॉग आ बनई पालिनी, मोर खाली देह ठीक थिला किंतु मते एते जोर निद लागुथला, मु अधा ब्लॉग बनई किना काली मु सोई पड़ीथली। तो सोइली 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 एमिती सोइली जे राति 12टा रे उठिक मु रोसे कर देकी सोई पड़ली। राति 12टा गोटे हेगला, मोर सेत बळुकु मु खाई न खाइकि भी सोई पड़ीथली। तो उठिकी पुणी खाई पुणी सोई पड़ी। तो एमती है कि काली आ ब्लॉग बनई पालिनी, काली निद बहुत जोर थिला मोर, बता मने 6 मास निद बोध काली गोटे दिन में पूरा कर। तो आज ब्लॉगटा आरंभ कर भात डाली कर देखु, आउ अंकी जेहेतु रात ड्यूटी कर सोई, आउ ये भात डाली मोर हो दही बैंगन टी कर कौन करी कांकड़ अच्छे कांकड़ मसला देखिए करी। तो चलते जी। तो सांग मैंने एपटे मुझे कांकड़ आलू भजा मानने मसला देखिए करी बोली रेडी कर रखी, आउ डाली भी ये बघरा मानने बघारिया रखी, आउ भात आम तीन जनकर होना रेडी। आउ चलत कांकड़ा को भाजिकी मसला देक मुझे भाजे, आ सेपटे बैंगन टिके अल्प टिके बैंगन अच्छे बैंगन दही बैंगन अल्प टिके करियार अच्छे मते। तो टिके फुटण आ तेल देखिए भाजला मुझे कंचा मसला दिए, कंचा मसलाटा पुणी भाजी आज कसला टिके पा दे सीझला पर्यन तापर आखि पोड़ पोड़िया करके भाजे। ये भाया किए किए कर सब कहे मत, मुझे ये कै मसला कसे यहाँ बेस बढ़िया भी लगे, आ मसला गंध भी पूरा पड़ेब देखिए आपको पूरा पोड़ पोड़िया करदेवि लास्ट एवं करें लास्ट लुण हलदी लंका गुड़ सब पड़ गई। तो सांग मैंने मोर डाली होना रेडीगला, एपटे से भजाटा मुझे आपको देखी, आपटे मोर होना रेडी दही बैंगण, आपटे खाली से भजाटा टी गले जीबा। आईटा टी पोड़ पोड़िया हालांकि बहुत टाइम लगे, आपको टी एम खोला छाड़ी ये सीझीगला, आपको खोला छाड़ी एपट पार्टा हम टे सीम आंचरे पड़ो टे सीम टे अधिका एमती ये बढ़े बढ़े टे पड़े ना पोड़ी आपको कलापर तर खाइबा। तो सांग मैंने आज आम बसगलु खायापी रेडीगलु रिचा स्कूल आसीगला, आम जाऊ खायापी अंकी टेस्टी टेस्टी खाइबा, आई खाइबा खाइले बाहर खाइबा भूली जी आज तो जहाँ सी गोटे भजा खाई सारे भजा गोटे पटे पकई मत कौच भाज बहुत बढ़िया है भजाटा केमती कले खाओ आठ भजा थुआ हाँ देखो। तो सांग मैंने यहाँ कांकड़ आलूर जो भजाटा मसला टे जो भाजी से मेन से भल लगुच बेस टे हाउ रिचा खाइबू हाँ कौ चेन पक कड़े जा देखिल देखल सी गोटे चेन पकई स्कूल जाऊ देखा 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 ये चेन पकई जाऊ लंडन रू आसला यहाँ गोटे मानने पकैया कथा कुआ गले तू कौन स्कूल पकई जाऊ हाउ चल खाइबा सांग मैंने कथा। तो सांग मैंने आम एना खाऊ चा रस सी से बसिकिना खाऊ आए बस तार गोटे कौन खाऊ देखिया कौन खाऊ कि ए दीटा नहीं कि ना नानी को यहाँ दे पिंकटा येलोटा अईठा करूनी ये दबु हाँ अईठा न करी मत गोटे दबु मु आइसक्रीम ने तापर आम कौन रोष हम आपण मान देखी तड़का करी आज रुटी करी तू अंडा के समय खाऊ दीटा अंडा दिखाई सीझा अंडा से खाऊ बस कि समय पांच मिनिट अंकी पचार अंकी के मिनिट कह कौ न 15 मिनिट है ए प्रूफ पाइल 15 मिनिट दीटा अंडा तू 15 मिनिट खाइबु कौन कर चार्टा अंडा के मिनट खाइ हिसाब करी कह तो समय सांग मान सागर सांग मान को ब्रेक दौ आठ अंकी मुहटे देखिए सांग मैंने देखते आम दु जन ना जो लगे बस कौन कहले फेस पैक जो कही आपटा लगे आज पुणी दी दिन पर पुणी लगे देखी अंकी मुहटा जी गोल था आहरी गोल हो जाए नाई अंकी जानी मुहटा गोल सी आपको लगेगा आहरी गोल हो मना कर हसबुनि कथा गोल ना
ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଲଗେଇଲା ପରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନିନା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବ୍ଲଗ ଯେତେରୁ ବନଉଛି ଯାହା କରିବି କଥା ହେବି ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ଟଙ୍କି ତମର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆଜି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନାଁଟା କ'ଣ ଦେଖିକି ତମେ କହିବ ପରେ ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କି ତମର କ'ଣ ହେବି ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ଅଙ୍କି ବା ମୋ ନଣ ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରିଚାକୁ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ ବୋଲି ରିଚା ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ରିଚା କାଇଁ ହସିଲା ଦିନକୁ ଚାରିଥର ଖାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ ବାସ୍ ହଉ ଛାଡ଼ ଆମ ମୁହଁ ଗୋରା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଧୋଇ ଦେଇକିନା ମୁହଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବେ ଅଙ୍କି କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ଫେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମୋତେ କହିବେ ଆଉ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଏଇଟା ଲଗେଇକି କେତେ ଜଣ ଲଗେଇଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଏଇଟା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସୁର ଡାଲି ଆଉ କ୍ଷୀର ହଁ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି କେଉଁ କ୍ଷୀର ପକେଇବେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନା ସିଝା କ୍ଷୀର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପକେଇଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ସିଝା କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଯଦି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନାହିଁ ସିଝା କ୍ଷୀର ଅଛି ପକେଇଦେବେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ କାମ ଦିଏ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାଇଁ ତ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ହିଁ ପକେଇବେ ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଏଇଟା କରିଥିଲୁ ହେଲା ଆମେ ଖାଇଛୁ କ'ଣ ତଡ଼କା ବନେଇଥିଲି ଆଉ ରୁଟି ଖାଇଦେଇଛୁ ବାଏ।